एक बार की बात है, किसी गांव में पुष्पेंद्र नाम के एक ब्राह्मण का परिवार रहता था। एक दिन पुष्पेंद्र अपने घर के बाहर पेड़ की छाव में सो रहा था। जैसे ही पुष्पेंद्र की आंख खुली, उसने देखा एक सांप उसके पास बैठा हुआ है। पुष्पेंद्र को ऐसा हुआ, यह कोई साधारण सांप नहीं है, और उसने निर्णय लिया कि वह आज से इस सांप की देवता की तरह पूजा करेगा। पुष्पेंद्र अपने घर में जाकर सांप के पीने के लिए बर्तन में दूध लेकर आया और वापस अपने घर चला गया। अगले दिन पुष्पेंद्र वापस उस पेड़ के नीचे गया तो उसने देखा जिस बर्तन में उसने सांप को दूध पिलाया है, उस बर्तन में एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ है। पुष्पेंद्र ने उस सोने के सिक्के को उठा लिया। अब वो हर रोज सांप को दूध पिलाता, बदले में सांप उसे सोने का सिक्का देता। कुछ दिन बाद पुष्पेंद्र को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा तुम पेड़ के नीचे सांप को दूध पिला देना। पिता के कहने पर बेटे ने दिन में सांप के बर्तन में दूध रख दिया। अगली सुबह जब वो सांप को दूध पिलाने गया तो उसने देखा बर्तन में एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। पुष्पेंद्र के बेटे ने सोने का सिक्का उठा लिया और मन ही मन वो सोचने लगा, इस सांप के बिल में ऐसे ना जाने कितने सिक्के रखे होंगे। उसने सांप का बिल खोदने का फैसला लिया, लेकिन उसके मन में सांप का डर था। पुष्पेंद्र के बेटे ने सोचा जैसे ही सांप दूध पीने आएगा वो उसके सर पर लाठी से वार करेगा और सांप मर जाएगा। उसके बाद वो उसके बिल को खोदकर सारे सोने के सिक्के निकाल लेगा और बहुत अमीर आदमी बन जाएगा। अगले दिन जैसे ही सांप दूध पीने आया, लड़के ने सांप के सिर पर लाठी से वार किया, लेकिन वो चूक गया और सांप बच गया। यह देख सांप को गुस्सा आया, उसने लड़के को अपने विष भरे दांतों से काट लिया और लड़के की मौत हो गई। पुष्पेंद्र जब वापस लौटा तो उसे बहुत दुखक हुआ कि उसके लड़के की मौत हो गई है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। कभी लालच नहीं करना चाहिए और हमारे पास जो कुछ भी है उसी से संतोष करना चाहिए तथा हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए।